मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बता देना चाहता हूं कि अपने नेताओं को रोक के रखें, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बेशक ब्राह्मणों को लेकर दिए बयान पर माफी मांग लिए हैं, मगर ये मामला जो है वो शांत होता नहीं लग रहा है। उनके खिलाफ बिहार के थानों में केस दर्ज किया गया है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने विवादित बयान दिया है। मांझी पर हमला करते हुए झा ने कहा है कि जो भी मांझी की जुबान काटेगा वो उसे 11 लाख का इनाम देंगे। बता दें कि झा ने मांझी पर सनातन धर्म के खिलाफ जानबूझकर बार बार टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। झा ने कहा है कि अगर मांझी हिंदू सनातन धर्म को नहीं मानते हैं तो उन्हें धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। जो भी ब्राह्मण का बेटा समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मांझी की जुबान काटेगा उसे 11 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि मांझी की हम बिहार की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक घटक दल है जिसमें भाजपा भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि झा के इस बयान पर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने झा को चुनौती देते हुए कहा है कि किसी में भी मांझी पर हमला करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व को अपने नेताओं को समझाना चाहिए, नहीं तो परिणाम जो है वो खराब होगा। जब मांझी पहले ही अपना खेद व्यक्त कर चुके हैं तो इस मुद्दे को उठाना ठीक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि दानिश रिजवान जो है उन्होंने कहा है, पलटवार करते हुए कहा है कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मांझी जी का जीप काट ले। भाजपा नेतृत्व अपने नेताओं को संभाले, नहीं तो परिणाम जो है वो बुरे होंगे। देखिए, लगातार आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अभद्र टिप्पणी करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के गजेंद्र झा जी ने सीधे तौर पर कहा है कि मांझी जी की जबान काट लेंगे वो। किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो जीतन राम मांझी जी की जबान काट लेगा? क्या यह दलितों को अपमानित करने की बातचीत नहीं है? जब जीतन राम मांझी जी ने स्वीकार कर लिया, उन्होंने खेद प्रकट कर लिया, उसके बाद किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? जब दलितों को थूक चटवाया जाता है तो किस बिल में घुस जाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता? जब दलितों को प्रताड़ित किया जाता है तो किस मांग में घुसे होते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता? और आज बड़ी जबान खुल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बता देना चाहता हूं कि अपने नेताओं को रोक के रखें, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा।